और आर्थिक राजधानी इंदौर में कृषि मंत्री कमल पटेल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने रीगल तिराहे पर प्रतिमा का माल्यार्पण किया। कृषि मंत्री कमल पटेल से खास बातचीत की संवाददाता ललित शर्मा ने। हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कमल पटेल जी, आइए सीधे बात करते हैं। कमल जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ग्राम स्वामित्व योजना लागू की जा रही, क्या है ये, शॉर्ट में बताइए। अभी क्या बताया मैंने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जितने भी गांव आबादी में बसते हैं, जिनके प्लाट और मकान हैं, उनका दस्तावेज ड्रोन से सर्वे करके जो जहां बसा कब्जे में उनको मालिक बना रहे हैं। जैसे ही वो मालिक बनेंगे, उनके प्लाट की कीमत कलेक्टर गाइडलाइन से। मध्य प्रदेश की बात करें तो कितने किसानों को फायदा होगा, कितने ग्रामवासियों को फायदा होगा? मध्य प्रदेश में वैसे तो 57,000 से अधिक गाँव है, लेकिन राजस्व ग्राम जो है वो 52,000 है, 23,000 ग्राम पंचायतें हैं। मेरे हरदा जिले के अंदर 402 गांव हैं, 46,974 लोग गांव में निवास करते हैं। उन सबको हमने मालिकाना हक दे दिया, सर्वे करके पहला देश का गांव जिला हो गया। और इससे अब उनके कलेक्टर गाइडलाइन से भेजी होने से बैंक जो कोर्ट में जमानत होगी, बैंक से लोन मिलेगा और लिमिट मिलेगी, जिससे वो अपना मकान बना सकेंगे, दुकान बना सकेंगे, व्यवसाय के लिए लिमिट ले सकेंगे, कोर्ट में जमानत कर सकेंगे। जो सुविधाएं अभी तक शहर को थी, वो अब गांव को होगी। और इसलिए गांव 75 साल बाद आजाद हुआ, और आजादी दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सच्चे गांधीवादी इस देश में कांग्रेस ही नहीं है, सच्चे गांधीवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता, जिन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार किया, उनके विचार को अपनाया है। पटेल जी, पटेल जी, एक अगला सवाल, आगामी जो उपचुनाव हो रहे लोकसभा और विधानसभा, उसमें पार्टी की क्या स्थिति है? क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं अंदेशा डाल रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, विश्व के नेता है। और इसलिए हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, शिवराज जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में किसान खुशहाल है, कहीं आंदोलन नहीं है। और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने तो धोखा दिया, 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था, राहुल गांधी ने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन थूक के चाट लिया, बदला गया। और इसलिए जनता ने धक्का दिया, कांग्रेस तो खत्म। अब कांग्रेस कन्हैया जैसे देशद्रोही को, जो कहता है भारत के टुकड़े तेरे होंगे हजार, ऐसे लोगों के कन्हैया की बात करें आपने, जो जय आदिवासी संगठन है वो कितना प्रभाव डालेगा? क्योंकि बुरहानपुर के बात करें या खंडवा के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो किस तरीके से आदिवासी संगठन तकलीफ देगा? कोई किसी से नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी को हम घेरने लगे, मैं प्रभारी मंत्री खरगोन का। 1400 करोड़ की हमने एक सिंचाई योजना स्वीकृत की, घोषणा की है। इसके बाद हमने गांव गांव में सड़कें बनाई है, गांव गांव में पेयजल की व्यवस्था की, और अब तो स्वामित्व योजना गांव गांव कर रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली समृद्धि का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। जब से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल खिला है, पूरा देश दुनिया के अंदर सिरमौर हो रहा है। शिवराज सिंह के रूप में खिला है त्रिपुरा ने, और इसलिए जनता का दिल हमने जीता, विश्वास जीता, उसी के बल पर चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद कमल जी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कमल पटेल जी, जिनका कहना है कि जल्द ही ग्राम स्वामित्व योजना लागू की जा रही, जिससे ग्रामों को निजीकरण होगा और लोगों को पट्टे जो दिए गए थे वो स्वामी बन जाएंगे। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, साधना न्यूज़ इंदौर।